एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पून्स ऑफ संगीता में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पालक पनीर कोफ्ता, थोड़ी सी हैवी ग्रेवी के साथ ये हम सब्जी बनाने वाले हैं। तो चलिए मिलके बनाते हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं पनीर का कोफ्ता विद पालक की ग्रेवी। तो इसके लिए हम पहले अपने इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। हमारे को चाहिए कोफ्ते के लिए रोस्ट, थोड़ा सा ये हमने बेसन को रोस्ट कर लिया है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है बेसन, लेकिन हम देखेंगे कि जितना हमारा इसमें यूज़ हो जाएगा वो हमने बेसन को सूखा रोस्ट कर लिया था। 100 ग्राम के करीब हमारा पनीर है। खड़ा गरम मसाला है, इसमें दालचीनी, मोटी इलायची और हरी इलायची, छोटी इलायची है। फ्रेश क्रीम 4 चम्मच के करीब, जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी, अगर आप चाहें तो आप शहद का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी, बटर, टमाटर चाहिए हमारे को। ये हमने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे और ये 250 ग्राम से 300 ग्राम के करीब पालक, उसको मैंने हल्का सा 10 मिनट के लिए उबलते पानी में उसको उबाल लिया था और फिर मैंने उसको पीस लिया है। 2 हरी मिर्च, आवश्यकता अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1.5 इंच के करीब कटी हुई अदरक और ये आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच सब्जी मसाला, उसको मैंने मिक्स कर लिया है। और ये हमारी कसूरी मिर्च है जो हम कलर के लिए डालेंगे ताकि थोड़ी सी उसकी ग्रेवी अच्छी आ जाए। और ये 50 ग्राम के करीब हमारे काजू। तो चलिए पहले अब हम लोग कोफ्ते की तैयारी करते हैं। ये हम सबसे पहले ये जो पनीर है इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। पनीर ले लेंगे और इसको बाइंडिंग देने के लिए ये जो हमने रोस्ट किया हुआ बेसन है पहले हम इसमें 2 चम्मच डालते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम और डाल देंगे। थोड़ा सा नमक, हल्का सा इसमें जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और ये जो हमने सब्जी मसाला और गरम मसाला डाला था उसको भी थोड़ा सा 1/4 स्पून के करीब, अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये ऐसे हमने अपने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। इनको थोड़ा सा हम लोग कॉर्नफ्लावर में एक बार रोल कर लेंगे। ऐसे तो ये बेसन है इसमें, ये टूटेंगे नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा सेफर साइड के लिए हम इनको ऐसे कॉर्नफ्लावर में डस्ट करके, ये हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छे से थोड़ा हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम ये कोफ्ते इसमें फ्राई करेंगे। ये अब हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें ये कोफ्ते फ्राई करने के लिए डालते हैं। ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं, अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। पैन ले लेंगे हम, 1 चम्मच ऑयल और ये बटर। ऑयल के साथ बटर डालने से जो मक्खन है ना वो जलता नहीं है, इसलिए ऑयल के साथ बटर गरम किसी भी उसमें ग्रेवी में या ऐसे कुछ बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो उससे बटर जो है वो जलता नहीं है। अगर हम खाली बटर डालेंगे तो वो बटर हमारा जल जाएगा। सबसे पहले ये खड़े गरम मसाले, दालचीनी, मोटी इलायची, हरी इलायची, हरी मिर्च, अदरक, हम इसमें ये जो हमारे काजू थे
काजू डालेंगे, एक दो मिनट इनको भून जाने के बाद अब हम इसमें टमाटर लाल मिर्च थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा सॉल्ट ताकि ये हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाएं। ये जो हमने गरम मसाला और सब्जी मसाला का जो पाउडर मिक्स करके रखा था आधा चम्मच वो डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको ढक के 10 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं, फिर हम इनको पीसेंगे। ये थोड़ी सी रिच ग्रेवी बनेगी आज जो हम ये सब्जी बनाने जा रहे हैं, इसीलिए इसमें बटर काजू और हम लोग फ्रेश क्रीम सबका यूज कर रहे हैं। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं। ये अब हमारे टमाटर काफी सॉफ्ट हो गए हैं, अब इनको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। उसके बाद हम इनको मिक्सी में इसकी एक प्यूरी तैयार करेंगे जो ग्रेवी हमारे ग्रेवी में हम यूज करेंगे। हमने ग्रेवी को अपनी पीस लिया है और इसको अब हम एक दो मिनट और भूनेंगे थोड़ा सा, एकदम बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है जो उसमें सब हमने मसाले डाले हैं। ये अब थोड़ा सा हमारा ठीक हो गया है, ऑयल छोड़ रहा है, वैसे तो ये ऑलरेडी पकी हुई थी पर इसको थोड़ा सा एक दो मिनट और पका लेने से इसके जैसे फ्लेवर और अच्छे से आ जाता है। अब हम इस स्टेज पर इसमें ये जो हमारी पिसी हुई पालक है ये हम डालेंगे। ये जैसे थोड़ा सा ज्यादा ठीक लग रहा है तो इस स्टेज पे हम चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मेरे पास मैंने जो सुबह पनीर बनाया था मैंने उसका पानी रखा तो मैं इसका पानी इस ग्रेवी में यूज कर लूंगी। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें, ताकि इसको अभी हम कोफ्ते के साथ थोड़ा सा बॉईल करेंगे तो ये और ठीक होगा। अभी हम नमक चेक कर लेते हैं, अगर हमारे को जरूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे। नमक हमारा ये एकदम परफेक्ट है, इसमें हम थोड़ा सा इसका बैलेंस करने के लिए चीनी डालेंगे, थोड़ी सी इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। अब हम इसमें ये अपने कोफ्ते डाल देंगे, इसके साथ हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये अब हमारी रेडी हो गए हैं, अब हम इनको प्लेटिंग करते हैं। तो ये हमारे पनीर कोफ्ता विद पालक ग्रेवी बन करके रेडी हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले दिनों में ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ देखने को मेरे चैनल पर मिलती रहें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।